अस्सलाम वालेकुम जी, आबद एग्रीकल्चर में आप दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान भर में तमाम अजनास के मजमूई रेट्स आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही गई बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि ज़रा से मुतलक तमाम तरह मालूम मिल सके। दोस्तों आज जुमे का दिन है और जो छोटी मंडियाँ हैं वो बंद हैं, जबकि जो बड़ी मंडियाँ हैं उनके अंदर इस वक्त काम चालू है। आज सबसे पहले मकई से शुरू करते हैं जी। मकई जो है ये जो टूटी हुई डैमेज मंडा टाइप जो मकई है ये तकरीबन 1500 रुपए से लेकर 1700 रुपए तक। इसके बाद मॉइस्चर टाइप सेल होती है और जो सबसे टॉप मॉइस्चर होता है वो 11 से 12 तक का होता है। 11 से 12 तक का जो मॉइस्चर है वो तकरीबन 2000 रुपए से लेकर 2200 रुपए तक। तिल और तिली की बात की जाए तो पहले की नस्बत इसके रेट्स के अंदर कमी देखी गई है। रेट्स जो हैं वो तकरीबन 16000 रुपए से लेकर 17200-17300 रुपए तक इसके रेट चल रहे हैं। कपास की अगर बात की जाए गवर्नमेंट रेट 8500 रुपए है। अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट के अंदर सर इस वक्त जो है ये 8400 रुपए से लेकर 8600 रुपए तक फरोख्त हो रही है और वैसे जो है ये तकरीबन 7000 रुपए से शुरू हो जाती है। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए बाजरा, बाजरा 3300 से 3000 वही पुराना रेट है 400 रुपए तक। गंदम जो है ये तकरीबन 4000 से लेकर 4500 रुपए तक छोटी मंडी है, जबकि जो बड़ी मंडियाँ हैं उनके अंदर गंदम के जो रेट्स हैं वो 4700 रुपए तक हैं। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए सरसों के जो रेट्स हैं वो 6000 रुपए से लेकर 6700 रुपए तक हैं। पीली सरसों के जो रेट्स हैं वो 7000 से 7500 रुपए तक हैं। अगर आपके पास मूंगी पड़ी हुई है 11-21 है, 15-09 है, या फिर इसके साथ कायनात आ जाती है 16-92 आ जाती है, ये जो तमाम हैं इनके 4000 से लेकर 5000 रुपए तक इसके रेट्स हैं। एरीफेन 6 होगी 109, ये तकरीबन 3500 रुपए से लेकर 4500 रुपए तक इसके रेट्स हैं। इनके बाद अगर आपके पास रेड चिली पड़ी हुई है तो ये 7000 रुपए से लेकर 14000-14500 रुपए तक इसके रेट्स हैं। अगर आपके पास गुड़ शक्कर पड़ी हुई है तो उनकी जो कीमतें हैं वो तकरीबन 7000 से लेकर 7500 रुपए तक हैं। ये जो तमाम तरह आपको रेट्स बताए गए हैं ये 40 किलो एक मान के बताए गए हैं। ये मुख्तलफ जो गला मंडियाँ हैं मजमू आपको रेट्स दिए गए हैं। इंशाल्लाह एक नई अपडेट के साथ मिलेंगे दोबारा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।